प्रयागराज के ऐतिहासिक स्वराज भवन में आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राजीव गांधी की दूरदृष्टि, आधुनिकीकरण की उनकी प्रतिबद्धता और देश के विकास में उनके प्रयासों की प्रशंसा की। आधुनिक भारत के निर्माता के सपने को पूरा करते हुए राजीव गांधी जी ने 21वीं शताब्दी में जो सशक्त भारत पहुंचाया है, उसके लिए हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने आते हैं। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए उन्हें हम और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वही सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लाए प्रधानमंत्री के रूप में, वही पंचायत और नगर निकाय के आरक्षण करके महिलाओं के लिए, अनुसूचित जात के लिए और उनके लिए अलग से आरक्षण किया, वही थे जिन्होंने 21 साल से मताधिकार की अवधि घटा के 18 साल को नौजवानों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। हम इस महापुरुष को जो राजनीति में एक ताजगी लेके आया था, प्रणाम करते हैं विनम्र रूप से और श्रद्धांजलि देते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाहोपरांत उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में रहने लगी। राजीव व सोनिया के दो बच्चे हैं, पुत्र राहुल गांधी का जन्म 1970 और पुत्री प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।